नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं दिल्ली के ऑटो राजा की पड़ताल, दिल्ली चुनाव पर विशेष पड़ताल। दिल्ली का चुनाव श्रीवर्धन जी यू टर्न होता दिख रहा है और लोग कह रहे हैं कि इसके केंद्र बिंदु में है शाहीन बाग। तो मैंने सोचा, श्रीवर्धन जी ने मुझसे कहा कि ज्ञानेंद्र मुझे शाहीन बाग लेकर चलो, क्योंकि शाहीन बाग को लेकर हर सियासी पार्टियां इन दिनों जोरों पर बयानबाजी कर रही हैं। ऐसे में श्रीवर्धन जी शाहीन बाग पहुंचे हैं आज, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक बार हम वहां चलते हैं जहां से ये आबो हवा बदल रही है। ये शाहीन बाग हम पहुंच चुके हैं उस जगह, और ये वो जगह है जहां से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये इस समय न सिर्फ दिल्ली की राजनीति का केंद्र है, ये पूरे देश की राजनीति का केंद्र बन चुका है। और मंच तक ही चलना चाहिए। हाँ, मंच पर लोग है, यहाँ पर देखते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली की सियासत कहाँ जा रही है, आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव किस ओर जा रहा है, ये समझने के लिए हम पिछले 15 दिन से दिल्ली में हर जगह घूम रहे हैं। लेकिन जब शाहीन बाग का जिक्र आया तो हमने तय किया कि शाहीन बाग में यहाँ 46 दिनों से प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत किया जाए। श्रीवर्धन जी, शाहीन बाग 46 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ लोग, और चूंकि दिल्ली के चुनाव में अब शाहीन बाग की एंट्री हो गई है, तो मैंने कहा अपनी दिल्ली के चुनाव में ज्ञानेंद्र इस समय शाहीन बाग पूरे देश में एक अलग तरह की मूवमेंट का केंद्र बना हुआ है, इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई भी गतिविधि, ऐसी कोई भी बातचीत जिसका सरोकार राष्ट्रहित से जुड़ा हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस जगह पर जाएं और लोगों से समझने की कोशिश करें कि दरअसल ये क्या चाहते क्या है, ये सरकार से क्या चाहते हैं, लोगों से क्या चाहते हैं, ये अपनी बात किस तरह से रखना चाहते हैं, क्यों ये इस तरह की मूवमेंट के लिए बार बार प्रेरित हो रहे हैं, कहीं इनका कोई राजनीतिक लाभ तो नहीं लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जमीनी हकीकत हम यही लोगों से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। और सभी लोग बैठे हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? हाँ, अच्छे हैं। खाना पीना मिल रहा है समय से? सब बढ़िया हो रहा है। हाँ, ऊपर वाले की मेहर बनी रहे आप पर, बढ़िया है। क्या कहना चाहती हैं, कुछ लोगों से कहना चाहती हैं आप? बेटा, हमसे कुछ आता ही ना कहना, हमसे ऐसा बोलना आता ही ना कुछ। आप यहाँ बैठी हैं, ठीक है, तो कुछ तो आपके मन में होगा। हाँ, हम तो बस हमसे कुछ बोलना तो आता ही ना। क्या ये बताइए कि आप कितने दिन से यहाँ बैठी हैं? 45 दिन हो गए। क्या उम्मीद है, अब तो सियासत भी शाहीन बाग पहुंच गई है, क्या लगता है आपको, आपका दर्द कौन सुनेगा? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है भैया, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप लोग भी उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं, तक बैठेंगे। कहाँ कमी रह जाती है, आपको क्या लगता है कहाँ पर कमी रह जाती है, क्या जरूरत है जो होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देश का विकास होना चाहिए। ये जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैं शौक थोड़ी है यहाँ बैठने का भैया, यहाँ हमें शौक नहीं बैठने का, जो हम घर का काम छोड़ के परेशानी से यहाँ बैठे हैं। आइए, ये देखिए, ये जो झंडे को आप, तिरंगा को लहरा रही हैं, ये हम लोग समझ रहे हैं कि आप लोग सभी चाहते हैं कि ये झंडा ऊंचा रहे जी। कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत क्या आ रही है, क्यों नहीं सुन रहे लोग? आप लोग पहुंचाएंगे तो जरूर सुनेंगे लोग। हम लोग इसीलिए आए हैं, बहन जी हम लोग और श्रीवर्धन जी इसीलिए आए हैं। जी, हम लोग इसीलिए आए हैं यहाँ पर, ठीक है। नहीं नहीं, वही कह रहे हैं, आप अपनी कोई बात कहना चाहती है? आप लोग यहीं रहेंगे इसी देश में भाई, आप सब हम एक ही हैं ना, एक ही हैं। सर, आप भी अंदर जाइए, यहीं से कुछ जाइए, यहीं से हाथ पकड़िए, आप आ जाओ, आ जाओ, चल जाओ, चल जाओ, आओ। तो जैसा आपने देखा, हम इस वक्त शाहीन बाग में हैं। शाहीन बाग दिल्ली की वो जगह है जो इस समय न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, यहाँ एक तस्वीर लगी हुई है, ज़रा उस तरफ अपना कैमरे का फोकस करें, जिसमें एक तस्वीर है और तरह तरह के रंग हैं, उसमें लिखा है मैं शाहीन हूँ। ये यहाँ की पूरी कहानी को बयां करता है। और उसके बाद ज़रा यहाँ ये कुछ
बुजुर्ग महिलाएं माताएं मेरे साथ बैठी हुई हैं, आप इन पर भी अपना फोकस करें मुकेश जी। और अगर आप लोग देखें तो ये पाएंगे कि वो जो तस्वीर आपने देखी और उसके आते जाते कलर, कमोबेश वही दर्द, वही तकलीफ आप इनके चेहरे पर भी देख पा रहे होंगे जिस पर लिखा है मैं शाहीन हूँ। और यही हाल यहाँ के हर चेहरे पर पढ़ा जा सकता है। लेकिन साथ में एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, ये पीछे लहराता हुआ तिरंगा, ये भी आप देखिए, ये हमारी देश की एकता को, अखंडता को कहीं ना कहीं परिलक्षित करता है। कैसी हैं आप? सही हैं। बढ़िया है? बढ़िया हैं। हाँ। अच्छे से मजे में? खूब बढ़िया। अच्छा, कुछ कहना चाहती हैं आप लोगों से, सरकार से, किसी से कुछ कहना चाहती हैं? हम तो यही चाहते हैं कहना, CAA NRC FPR ये सब वापिस ले लो, हमें ये पसंद नहीं है ना, हमारे देश में यू शोभा देती। हम जब से अंग्रेज गए हैं, हमने भी भगाए हैं, जब से अब यू उठा सिलसिला मोदी से, हम तो यूँ कहे हैं इसे वापस ले लो, तुम अपने खुश रहो, हम अपने खुश रहें, बस। आप ये बताइए, जो कह रही हैं अम्मा कि NRCCA वापस ले लो, तो आप कितने दिन से बैठी हैं यहाँ? 40 दिन से ज़्यादा हो गए। खाना पीना मिलता है समय से? खाने पीना समय से मिलता है, अल्लाह मियां दे रहा, अल्लाह पाक दे रहा, दे रहे हैं, दे रहा है। तो दिक्कत होती है सोने में? नहीं, यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, यहीं सोते हैं। तो कोई सुना आपका, कोई आया अधिकारी नेता, कोई आए वो कह रहे हैं कि आपकी समस्या दूर होगी? नहीं आया, नहीं आया। किसका इंतजार कर रही हैं? यो कर रहे हैं कि मतलब मोदी और अमित शाह हमारा CA और NRC वापस कर ले, हम उठ जाएंगे। श्रीवर्धन जी बहुत गंभीर बात ये कह रही हैं, और ये अपनी बात, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, तिरंगा का आपने जिक्र किया था, तिरंगा के साथ क्या संदेश देना चाहती हैं बहन जी आप? ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, ये झंडा हमारा प्रतीक है, हम इंडियन हैं और इंडिया में रहने वाले हैं और इंडिया में ही रहेंगे, हम अपना देश छोड़ के कहाँ जाएंगे, ये मेरा देश है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, तो ये हमारा रहने का हक बनता है, हमें क्यों प्रूव करना पड़ेगा कि हम सिटीजन हैं कि नहीं हैं यहाँ के। बस पिछले 4-5 दिनों से आप एक बात देख रही हैं, पिछले 5-7 दिनों से श्रीवर्धन जी ने मुझे कहा कि जो दिल्ली का चुनाव है वो चुनाव अब शाहीन बाग से होकर गुजर रहा है, राजनीतिक दल अब शाहीन बाग का जिक्र कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपके यहाँ बैठने से पार्टियाँ फ़ायदा उठा रही हैं? पार्टियों को फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा वो उठा रहे हैं, ये हम भी जान रहे हैं कि वो यहाँ का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन उठा रहे तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपना हक के लिए बैठे हुए हैं, हमें इस देश के नागरिक हैं, हम ये बताना चाहते हैं, कोई भी पार्टी हो, ये कोई भी पार्टी, हम किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें यही बताना चाहते हैं, हमें अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ना करें, हमें यहाँ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ना करें, हम अपने यहाँ हक की बात करने के लिए, आज 45-46 दिन हो गए हैं, हम यहाँ औरतें इस ठंड में यूँ बारिश में निकल के यहाँ बैठे हैं, तो क्या हमें घर रास नहीं आ रहा जो हम यहाँ बैठे हैं, हमें तकलीफ़ है, हम कुछ कहना चाहते हैं सरकार को, हमारी बातें क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं वो? आपका गुस्सा और आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जो आप कह रही हैं और जहां तक अपनी बात पहुंचाना चाह रही हैं, उनका ये कहना है कि ये कानून तो देश में रहने का है, निकालने का है ही नहीं, वो तो ऐसा कह रहे हैं। देश में ये कानून जिस CAA के थ्रू जो आप बाहर के प्रताड़ित लोग को यहाँ पर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी जो नॉर्मल लॉ है हमें जो सिटीजनशिप देने का, उसके थ्रू भी तो आप दे सकते थे, अलग से एक नया लॉ लेने की क्या ज़रूरत है, और उसमें सिर्फ 3 कंट्री, उसमें मुसलमानों का नाम नहीं होना। तो जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान अगर हैं प्रताड़ित उधर देशों में और नॉर्मल लॉ के थ्रू भी आ सकते हैं जो एक पहले से लॉ बना हुआ है, तो आप उनको भी इसे थ्रू लॉ के थ्रू लाइए, एक अलग से लाने की क्या ज़रूरत है उसकी? ये आपके पास ये बच्ची खड़ी हैं, ये कुछ कहना चाह रही हैं, बेटा क्या करती हैं आप? सर मैं मास्टर्स कर रही हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। सर मैं ये कहना, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, ये सवाल है मेरा कि ये जो जगह है इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कह के लोग इसका सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है, हम दिल्ली चुनाव को कवर कर रहे हैं, अब चुनाव में ये शाहीन बाग और फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान आ जाए, तो आप जैसी युवा छात्रा जो पढ़ रही हैं
उनके मन में क्या बीतती है या क्या सोचती हैं आप इसको लेकर? हम आज तक इसे शाहीनबाग को हिंदुस्तान में माना जा रहा है, कोई भी पार्टी आई उसने ये नहीं कहा कि शाहीनबाग है जामिया आज भी हिंदुस्तान में है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये छोटा पाकिस्तान है, लोगों का लीडर्स का कहना है इसको वोट बैंक के लिए यूज किया जा रहा है, बिल्कुल वोट बैंक के लिए। हम यहाँ इतनी मेहनत से 45 दिन तक बैठे, तब तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस पास में आ गए इसे एक मुद्दा बना दिया जा रहा है कि शाहीनबाग में ये एम्बुलेंस, ये जो प्रदर्शनकारी हैं जिक्र कर रहे हैं एम्बुलेंस का, क्यों कर रहे हैं एम्बुलेंस का जिक्र आप? एम्बुलेंस को इसलिए दे रहे हैं कि वो मरीज लोग जा रहे हैं उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, हम लोग इंसानियत के लिए बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी जिससे पहले यहाँ पे कहा गया था कि रोड जाम है, ना तो स्कूल के बच्चों को जाने दिया जा रहा है ना एम्बुलेंस जाने दी जा रही है। आप खुद देख रहे हैं कि एम्बुलेंस भी यहाँ से जा रही है, स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इस तरीके से दिन भर यहाँ से एम्बुलेंस जाती रहती है, एम्बुलेंस को किसी ने यहाँ नहीं रोका गया है और ना ही स्कूल के बच्चों को कभी रोका गया है। स्कूल के बच्चे भी बराबर यहाँ से जाते हैं, एम्बुलेंस भी बराबर यहाँ से जाती है। मैं आपका वसीम अंसारी। वसीम भाई ये बताइए, ये भारत का संविधान लोग नहीं मान रहे हैं क्या? जी, भारत के संविधान के साथ जो इन्होंने छेड़छाड़ की है जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोगों ने, हम तो ये भारत का संविधान लेके चल रहे हैं साथ में। ये बताइए कि वो तो संसद में खड़े होकर वो कह रहे हैं कि ये तो नागरिकता देने का कानून है और ये कुछ लोग बरगला दिया शाहीनबाग के लोगों के लिए, लोगों को, और वो आके आंदोलन करने लगे, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आप जो संविधान लेकर खड़े हैं, मैं आपके संविधान लेने पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ऐसे लोगों को आप जवाब क्या देंगे? देखिए, ये कोई एक शाहीनबाग की बात नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग संविधान लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने नागरिकता देने के बात का कानून बनाया है। ये कानून तो पहले भी था, पहले भी नागरिकता दी जाती थी, आज इन्होंने एक धर्म के नाम पे जो ये कानून बनाया है, इन्होंने, आपने देखा होगा हमारे गृह मंत्री ने लोकसभा के अंदर कहा है कि हिंदू जैन पोत पारसी इन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी को अलग किया गया है। बाद में वो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ऐसी कोई बुराई नहीं है, कोई भेदभाव तो नहीं है, आप तो यहीं के हैं, आप यहीं रहेंगे। अगर भेदभाव वाली बात नहीं तो फिर चुनाव के टाइम पे क्यों ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्यों इनके कपिल मिश्रा और ये संदीप पात्रा ये लोग चुनाव मैदान के अंदर लोगों को बता रहे हैं कि 8 तारीख को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो है चुनाव होना है, आखिर ऐसा क्या है इसमें? अच्छा ये बताइए, आप युवा हैं, कितने दिन से प्रदर्शन में हैं? आज 47 डेज हो गए। क्या नाम है आपका? शेजी। शेजी, ये बताइए भाईजान कि मारते पीटते का है लोगों को, है ये तो कहा जा रहा है कि यहाँ जो आता है वो पीटता है, हम तो खड़े हैं, हमें तो नहीं मारेंगे तो नहीं भाई, मारा किसी को नहीं जा रहा है, ये पूछ रहे हैं मारेंगे तो नहीं, हम कुछ देर रुके रहे हैं। अरे आप यहाँ पूरे दिन रुकिए, पूरी रात रुकिए, हमारे साथ बैठिए, आपको पूरी इन लोगों ने जिस तरह से सब लोगों ने आपका स्वागत किया है। अच्छा ये बताइए आप सब बहनों को हम लोग को नमस्कार है, आप लोग इतने दिन से यहाँ बैठे हैं, ये बताइए कि अब तो सियासी दल के लोग ये भी कह रहे हैं कि खाना पीना कहाँ से आ रहा है, इतने दिन से लोग खाना पीना कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा अभी। खाना पीना सब अपने घरों से लेके आते हैं, जैसे जितनी भी औरतें यहाँ बैठी हुई हैं, कोई कुछ लेके आता है, कोई कुछ बना के लेके आता है, वही खाना यहाँ पर बढ़ता है, या किसी नेता का या किसी का इसका कोई हाथ नहीं, सब लेके आते हैं अपने घरों से लेके आते हैं बना बना के, अपने खा के आते हैं, सब अपना बना बना के लाते हैं, और बाहर से भी जो लेके आते हैं वो आते हैं, जो मेहमान आते हैं ना उन्हें खिलाते हैं। हमें तो नहीं खिलाया आपने दीदी, हेलो आ जाइए, अब खाने का टाइम होगा तो मैं भी खिलाएंगे। खिलाएंगे, देखिए श्रीवर्धन जी ये वादा कर रहे हैं, अभी हम लोग को भी खिलाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल खिलाएंगे, दिल से। आप स्वागत कर रही हैं और कुछ जो जगह तो चल रहा है कि पिटाई बहुत हो रही है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ हम आपका स्वागत करते हैं, हम जो खाएंगे हम वो आपको खिलाएंगे, अगर हम घर से बना के ला रहे हैं तो हम भूखे रहेंगे, तुम्हें खिलाएंगे। ये इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि पैसे ले रहे हैं, खाना आ रहा है और मारपीट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है ये काम और इसमें सब लोगों की सहायता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। इनसे सवाल करते हैं, ये बताइए आप थोड़ा सा नेता अभिनेता टाइप लग रहे हैं, ये खाने का जुगाड़ कहाँ से कर रहे हैं भाई बताइए? सब लोग पूछ रहा है, पूरा देश पूछ रहा है कि शाहीनबाग में कहाँ से आ रहा है पैसा? हमें 46 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए, सबका सवाल यही है कि आपके पास खाने कहाँ से, पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो हमें पता नहीं, पर ये अल्लाह की मदद है, ऊपर से ही कुदरती मदद है, ये भगवान अल्लाह सब कर रहा है हमारे लिए, उसके हम बंदे हैं,
हमें कोई इंसान ने नहीं पता करा, सब ऊपर वाले ने किया। आसिफ तूफानी, आसिफ तूफानी यार, आपकी बात लोग मानेंगे नहीं, कहेंगे अल्लाह कहाँ से पैसा भिजवा रहे हैं। सुनो यहाँ कैसे भिजवा रहे हैं बताइए। यहाँ पर ये कह जा रहा है कि मीडिया को मारा जा रहा है, ये बताइए। हम मीडिया को नहीं मारा, हमको नहीं मारा आपने, हमारा वेलकम किया, ये श्रीवर्धन जी ने भी देखा। सिर्फ एक बात बताओ, ये बात सही है, सब अल्लाह ताला करता है, बिल्कुल सही बात है, ऊपर वाले की कृपा से ही सबका सब कुछ चलता है, ठीक है। आपने कहा कि जो भी पैसा आ रहा है हमको नहीं मालूम, अल्लाह ताला कर रहा है, ये भी मैं मान लेता हूँ। तो भाई अगर सब कुछ अल्लाह ताला कर रहा है तो ये अमेंडमेंट आया, ये तो इंसानों ने किया, इसको भी क्यों नहीं मान लेते कि अल्लाह ताला ने किया भाई? कर तो रहा है, सुनो सुनो, कर तो ऊपर वाला रहा है, जरिया हमें बना दिया। तो फिर ये पैसे का जरिया कौन बना? पैसे का जरिया हमें नहीं पता, हमें तो ये नहीं पता, कुदरती रात को यहाँ पे रखा मिलता है। अच्छा। हमें तो एक समान जगह रखा मिल जाता है, हम वो वहाँ से उठाते हैं और बांट देते हैं हमें। अच्छा, तो हम क्या बताएं, मतलब जैसे लोग कह रहे हैं, जो लोग आरोप लगा, कुदरती मिल रहा है ना, कुदरती मिल रहा है हमें, हमको भी कुदरती खाना खिलाइएगा अभी। अच्छा ठीक, खिलाएंगे हम आपको, बिठाएंगे आप हमारे साथ बैठो। मैं तो कहूंगा आप लोग दुआ कीजिए, दिल्ली में और हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसे कुदरती खाने की जरूरत है, उन सबको भी कुदरती खाना मिले, आप दुआ कीजिए। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं आप? अब जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अभी पानी भी आया, अब आसिफ भाई ने पैसा अपनी जेब से दे दिया, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। अभी कुछ पंजाब से आए थे, जो आए थे वो अपना लेके आए थे राशन, ऐसे ही मतलब जिसको जो लगता है, किसी को पानी पिला देता है, कोई किसी को चाय पिला देता है, कोई किसी को खाना खिला देता है। मोहम्मद शहजाद हमारे साथ हैं। शहजाद जी ये बताइए कि मैं जो आप डिमांड कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये बताइए कि जब सियासत होने लगे आपके धरने पर, जब राजनीति होने लगे चुनाव के ठीक पहले आपके धरने पर, आप लोगों ने कभी ये भी सलाह मशवरा क्या किया क्या कि अगर राजनीति हो रही है तो हमको ये धरना रोक देना चाहिए? राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपने कभी ये कह लिया? मेरा कहना ये, हमारा इसमें जो मांग है वो अपनी हमारी जो है, हमारे साथ जो गलत हो रहा है, ये चीज़ जो इस वक्त NRC NPA निकाली, गलत किया जा रहा है, इससे राजनीति का कोई ताल्लुक हमारा नहीं है। नहीं, दिल्ली का शहजाद जी एक सवाल, एक सवाल, मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। मैं एक सवाल, पूरी दिल्ली की सियासत जो है शाहीन बाग पहुँच गई, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया? अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है, हाँ अब मेरी सुनिए ना, सुनो अब ये इतना फेसबुक, इतना मीडिया चला रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पे कोई कुछ डाल के डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, ये हमारे साथ टारगेट किया जा रहा है, हमें सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। सवाल आपसे कुछ करने आए हैं, देखिए सवाल करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो लोग अभी एम्बुलेंस यहाँ से गुजरी, लोगों ने तालियां बजाई और हम इस बात को देखे भी, और हमारे कैमरा पर्सन मुकेश जी और मनोज जी ने उसको कैद भी किया। हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो जैसे दुकानें बंद हैं, रास्ता बंद है, आपका दर्द, आपकी पीड़ा हम नहीं समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम समझते हैं उसको, लेकिन ये जो लोग परेशान हो रहे हैं, इनके लिए कुछ रास्ता सरकार को सुनना चाहिए, आप लोग को भी स्वतः कुछ तय करना चाहिए। लेकिन कहाँ वो कर पा रहे हैं? वो तो यूँ कह रहे हैं कि तुम पीछे मत हटो, हम एक इंची पीछे नहीं हटेंगे, ये कितनी गलत बात हो रही है, ये बात तो बिल्कुल गलत हो रहा है, जो चीज नहीं होना चाहिए था। सवाल भाई, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए ना तो कोई बदनाम कर रहा है, ना कोई बदनाम कर रहा है, ना कोई किसी तरह का लांछन या आरोप लगा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ इसमें आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं ये पूछ, हमारा कोई, हम क्या मतलब, कोई हमारी बात बुराई से फैला रहा है तो वो जाने उसका काम जाने, हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे सर, हमें हमारा हक दे दिया जाए। आइए आइए इधर आइए, ये काहे बांधे हैं? नहीं, रास्ते के लिए, अरे खोल दो यार गुरु, अरे पोल्यूशन मेरा, हम लोग भी पोल्यूटेड हो रहे हैं यार भैया, थोड़ा नॉन पोल्यूटेड बोल दीजिए, थोड़ा नॉन पोल्यूटेड, अरे रिलैक्स हो जाए। देखिए आपने रास्ते के लिए पूछा ना, पहला सवाल, ये रोड जो है लोग खोलने के लिए बेचैन है, ठीक है, उससे पहले जो हमारे गृह मंत्री जी हैं 6 महीने से VIP रोड बंद करके बैठे हैं, लोगों ने सिर्फ इतना कहा था कि हम आपके घर पे जाके प्रदर्शन करेंगे, तो पहले आप वो रोड खुलवा दीजिए, अमित शाह जी से जाके पूछिए। दूसरा, ये रोड जो है कभी भी ब्लॉक नहीं की गई, आपके सामने अभी एम्बुलेंस गई है, यहाँ से गई है कि नहीं गई है? आपने तो पाकिस्तान बना दिया है इसको, ऐसा कह रहे हैं लोग। तो जो लोग कह रहे हैं वो तो ये भी कह रहे हैं, आप यहाँ पे आए हैं ना, आप अभी यहाँ पे आए हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि इस जगह पे जो दलाल लोग हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग मीडिया है, उसको एंट्री दी जाती है। क्या आप टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं? ये आप ही बताओ गुरु, हम तो नहीं बताएंगे, हम तो आपकी बात सुनने आए हैं। उन्होंने तो ये हम तो आपकी बात सुन
तो जानना चाह रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने तो ये भी कहा, हमारा मकसद ये है कि आप चुनावी एजेंडा बन गए हैं और बन गए हैं तो क्या अब आपका विवेक ये कहता है कि जब आपका सियासी इस्तेमाल होने लगे तो आप खुद तय कर लें कि हम सियासत के इस्तेमाल के लिए नहीं बने, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। हम अपने हक की ही बात कर रहे हैं। हमने रास्ता कभी ब्लॉक नहीं किया, एम्बुलेंस के लिए कभी नहीं रोका, दूसरा जो स्कूल है उसके लिए वहां से खोला गया है। देखिए देखिए, एक जिम्मेदार न्यूज चैनल के नाते एबीपी न्यूज हमेशा तटस्थ पत्रकारिता के लिए जाना जाता है और यही हमारी कोशिश है, यही हमारा प्रयास है। जो प्रोपेगेंडा यहाँ लोग आकर फैला रहे हैं श्रीवर्धन, हम उसके सख्त खिलाफ हैं और इसीलिए हम चार लोगों से यहाँ बात नहीं करेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो लोग प्रदर्शन में बैठे हैं हम उनसे भी बात करें और इसीलिए हम उस आवाम के पास जा रहे हैं जो यहाँ बैठी है और ये देखेंगे। मैं ये चुनौती देता हूँ लोगों को और हम ये देखेंगे भी कि क्या हमें मारा जाता है, क्या हमें पीटा जाता है। इन तमाम सवालों का जवाब आज शाहीन बाग से हम देंगे, एबीपी न्यूज दे। शाहीन बाग के धरना स्थल में मंच से हमने बात की, अब हम आपको लेकर चलते हैं उन लोगों के बीच में जो यहाँ बैठे हुए हैं पिछले 46 दिनों से। श्रीवर्धन जी, इन लोगों के बीच भी चलो, इनके बीच जाना बहुत जरूरी है ज्ञानेंद्र, और इनसे समझते हैं कि आखिर इनका दर्द है क्या। 45-46 दिन से परिवार को छोड़ करके महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ बैठी हैं। आप देखिए वहाँ अनशन पर वो महिला बैठी हुई है, उनकी तबीयत कुछ नासाज भी लग रही है। क्यों ना आइए उनसे बात करते हैं, उन्हीं से समझते हैं क्या तकलीफ है कि ये अपने आप को दर्द देने पर उतारू हुआ है। कैसी हैं आप, हैं तबीयत ठीक है, हैं कितने दिन होगा बैठे हुए आपको? आज 30 दिन है। 30 दिन हाँ। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। ऐसा कौन सा दर्द है जिस दर्द को बताने के लिए आप अपने आप को दर्द दे रही हैं? पूरे हिंदुस्तान का ही है, हम गरीब गरीब लोगों के लिए है ये। जी क्या कहना चाहती हैं? जो ये काला कानून है ये सरकार वापस ले ले, आने वाले हमारे बच्चों की भविष्य है, जो वो शरणार्थी की तरह जिएंगे, कैंप में डालेंगे, हम इसके लिए बैठे हैं। हम तो आज है कल मर जाएंगे, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों के लिए भविष्य के लिए बैठे हैं यहाँ पे। कहाँ से आई हैं आप? मैं वजीराबाद में रहती हूँ। रोइए मत, हम आपका दर्द समझते हैं और आपकी ही बात हम आपकी बात लोगों तक पहुँचे, हम इसीलिए आए हैं। अब ये बताइए कोई आया अभी तक, किसी ने आपकी बात सुनी? कोई सरकार नहीं आया हमारे। तो फिर किस तक आप लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं और इससे पहुंचे? पूरे दुनिया पहुंच चुके, पूरे वर्ल्ड में पहुंच चुके, लेकिन ये सरकार बहरे अंधे बैठे हैं। क्यों कर रहे हैं ये, ऐसा आपको क्या लगता है? क्योंकि वो चाहते हैं ये लागू करना। अमित शाह ने कह चुका है कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो हमारा भी ये, अगर वो एक इंच पीछे नहीं हटेंगे तो हम भी आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे। जब तक वो ये काला कानून वापस नहीं लेंगे हम। पर वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो यहाँ नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। नहीं लेने का है, आप आसाम में देखिए ना क्या हुआ, आसाम क्या हिंदुस्तान में नहीं है? ठीक है चलिए, आप रोए नहीं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बताइए। चलिए देखिए, खड़े मत होइए। अरे भाई आराम से बैठ के बात करिए। हाँ ये बताइए, हम लोग घूम घूम कर ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं, दिल्ली में पिछले 20 दिनों से हम घूम रहे हैं, दिल्ली के ऑटो राजा की पड़ताल कर रहे हैं। हम चुनावी मूड समझ रहे थे और चुनाव का पूरा मूड शाहीन बाग में आके टिक गया, क्यों भैया? सर ये इसमें चुनावी से नज़र से देखना ये बहुत बड़ी गलत बात है, ये चुनावी से कोई मतलब ही नहीं है। सीधा सवाल है कि NRC CA NPR जो भी है सरकार उसको वापस ले ले, कोई उनका मोदी दिया कोई या अमित शाह हो, कोई हो उनका प्रवक्ता हो, कोई आकर यहाँ आश्वासन दे कि हम मतलब इसको वापस लेंगे, हम जो समझाए अच्छे से समझाए यहाँ के महिलाओं को, कोई आ ही नहीं रहा है। वो केजरीवाल कह रहे हैं कि जो मैंने बिजली पानी दिया है, जो मैंने स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक दिया है उसकी बात तो हो ही नहीं रही है, शाहीन बाग की बात हो रही है, इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है। गवर्नमेंट कर रही है जी, ये तो गवर्नमेंट कर रही है, हम थोड़े ही कर रहे हैं इस बात को, इंडिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है बात को। हम तो ये कह रहे हैं कि सब सुख शांति से रहें, किसी को परेशानी ना हो, और कभी NIC का मामला आता है, कभी कुछ आता है, क्या किया जाए। गवर्नमेंट से कोई नहीं कहता, उनसे कोई कहने वाले नहीं,
अब हमसे पूछते हो हम क्या कहेंगे, हम तो परेशान हैं हर तरह से। सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है कि इतना जुगाड़ कहाँ से हुआ, पैसा रुपया कहाँ से आ रहा है, ये भी कह रहे हैं लोग। लोगों का कहना सही है, यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो भी खर्च आ रहे हैं, लोगों अपने अपने में मतलब कोई हम जैसे लोग आगे, कुछ लोग मदद कर रहे हैं, कुछ यहाँ के लोग जनता जो भी हैं वो अपने आप में सभी का मदद कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट चला रहे हैं। हाँ, और मुद्दा ये है कि यहाँ का आपने कुछ पैसा दिया? सर बिल्कुल मैंने कोई पैसा वैसा नहीं दिया, क्योंकि मेरे को देने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना शामिल हूँ इस प्रोटेस्ट में, अपने लिए आज़ादी मांगू, यही मेरे लिए। अच्छा, ये स्टूडेंट है, ये कुछ क्या क्या कहना चाहते हो? मैं जामिया का स्टूडेंट हूँ। हाँ। अब सर ये आप अगर क्वेश्चन हमसे एनआरसी एनपीआर और उसकी सीए की बात करें तो ज्यादा सही। ये सर हाँ ठीक है, एनपीआर एनआरसी की बात हो चुकी है, मैं इसलिए हम लोग आए। देखिए हम दिल्ली की राजनीति और चुनाव का माहौल जान रहे हैं। आप जामिया में पढ़ रहे हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जब आप सियासतदान ये कहने लगे कि ये शाहीन बाग को अपना चुनावी कार्ड देखने लगे, तो ऐसी स्थिति में तो आपको जवाब देना बनता है। सर ये लोग मुद्दा इसलिए बना पाते हैं क्योंकि हमारी मीडिया ये पूरी कोशिश करती है। क्यों आप बार बार केजरीवाल से ये सवाल कर रहे हो उन्हें यहाँ जाना चाहिए? हमें मुद्दा हमारा है सीए, हमें ये पूरा मीडिया ने इसको मुद्दा बनाया। मतलब हम केजरीवाल से सवाल नहीं करें, हम किसी और से करें। आप मीडिया में ज्यादा इस बात को दिखाएं, ये ना दिखाएं कि ये चुनाव। मतलब आप ये कह रहे हो कि किसी एक से सवाल ना करें, दूसरे से करें। चुनाव है और राजनीतिक दल जब ये कहेंगे, चचा ये बताओ, ये अभी युवा जोश हैं, आप भी समझते हो, राजनीति देखे होगे बहुत दिन से, कितना वोट किए हैं, आई सपोर्ट शाहीन बाग, ठीक है। लेकिन ये बताइए, जब राजनीतिक दल ही कहने लगेंगे कि भाई शाहीन बाग इंडिया पाकिस्तान, तो फिर कैसे करोगे? एक सेकंड चचा यार, तुम बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हो गुरु, चचक सम्मान करो। जो लोग ये बात बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, राजनीति चमका रहे हैं, यहाँ सब हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, शाहीन बाग भारत के अंदर है, ना कि कहीं बाहर है, ठीक है। मोदी जी बोलते हैं, अच्छा भारत के अंदर है, तो ये आप लोगों के भीतर डर किस बात का है फिर? आप भी हिंदुस्तानी है भैया, हमें डर तो फिर डर किस बात का है? डर किस बात का है मैं आपको बताता हूँ। हम 5 साल ओमान में रह के आए हैं और 2 साल दुबई रहा हूँ, 3 साल में कतर रहा हूँ। जो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का हिंदू प्रताड़ित है, तो मैं आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ, मैं वहाँ बांग्लादेशियों को जानता हूँ, पाकिस्तानी हिंदुओं को भी जानता हूँ। वे लोग जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होते हैं तो बांग्लादेश का हिंदू जो है इंडिया को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान का हिंदू भी यहाँ इंडिया को सपोर्ट करता है, तो वो वहाँ गद्दार कहलाए जाते हैं, वो अपने देश के लिए गद्दार है। लेकिन यहाँ का हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान बांग्लादेश को या पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता है, हिंदुस्तान को सपोर्ट करता है। हम हिंदुस्तान की मिट्टी पे पैदा हुए, हम हिंदुस्तान की मिट्टी पे मर जाएंगे और हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हो जाएंगे, हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात कही आपने। और एक बात और मैं बता, एक बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो उनका 56 इंच का सीना है तो उसके 56 इंच के सीने में कम से कम 10-12 इंच का दिल तो होना चाहिए, हैं? उनके अंदर 10-12 तो ये देश हमारा है, लोग यहाँ जो बैठे हैं तिरंगा झंडा के साथ, साफ कहना है हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में हम दफन। सर बिल्कुल सही बात है। शाहीन बाग में क्यों पहुंचा सियासी पारा, यही जानने के लिए आज हम शाहीन बाग आए थे और हमने 1, 2, 3, 4 से बात नहीं की, हमने वो तमाम सवाल शाहीन बाग में बैठे लोगों से की कि आखिर आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं या तो जो आपसे अपील की जा रही है और जो सियासी दल इस प्रदर्शन का फायदा उठा रहे हैं, आखिर आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब शाहीन बाग के लोगों ने बहुत शांति से दी, बहुत सबने ये कहा कि ये देश हमारा है, सबने कहा देश के साथ हमें जीना है और यही हमें मरना है, इसी मिट्टी में हमें फना हो जाना है, इसी मिट्टी में हम दफन हो जाएंगे, लेकिन हम ये देश छोड़ करके नहीं जाएंगे। और सबके भीतर का दर्द है जो लोगों ने अपने अपने तरीके से बयां किया है ज्ञानेंद्र, साथ में ये भी कि जो एक माहौल बनाया जा रहा था कि यहाँ मीडिया की एंट्री नहीं है या किसी तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, कम से कम हमने तो यह नहीं पाया, बड़ी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का। और ये ज़रूर है जैसा ज्ञानेंद्र ने कहा कि इस तरह के मुद्दे कैसे राजनीतिक कलेवर में ढल जाते हैं, कैसे राजनीतिक रंग उन पर चढ़ जाता है और उस पर कैसे लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण और ज्वलंत उदाहरण है ये शाहीन बाग, जो न सिर्फ दिल्ली की बल्कि देश की राजनीति का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है
इस सब के बावजूद मुझे सबसे अच्छा जो लग रहा है कि सबके हाथों में जो तिरंगा है या गले में जो ट्राई कलर लोगों ने डाल रखा है, ये बहुत अच्छी बात है कि सबके बाद भी लोग अपनी राजनीतिक अखंडता और एकता और भाईचारे की बात कर रहे हैं। एक बात एक लेकिन बात मुझे अपने एक मित्र की बात याद आती है कि शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर नहीं वो कौम का दुश्मन है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर नहीं वो कौम का दुश्मन है। और एक सवाल आप सबके लिए, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी थी? एबीपी न्यूज की इस खास पड़ताल और तहकीकात के साथ आज हम यहाँ शाहीन बाग से आप सबसे विदा लेते हैं। कल रात 8:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मुद्दे और नए लोगों के साथ। बने रहिए सिर्फ एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।